जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में, तौने सुख बा कहुना ए पहुना। कान मीठी मीठी मुस्के तुम्हारा तारा, टुक टुक ऐसे काहे निहार तारा, कथी चले तोरा मन में सवरिया हो, चंदिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर। अपनी भाषा में आप गाना गा लेती हैं? अभी लगभग मैं 19-20-22 भाषा में गा लेती हूँ। 22 भाषा में गा लेती हैं जी। तुहरा के राखब सजना पलकन के छाव में, जोर ले ले पानी तोहर नाव अपना नाव में। हमारे साथ बिहार के वायरल लूसी हैं, जो 14 साल की उम्र में अपनी गायकी को इतने अच्छे तरीके से रखा, इतने अच्छे से प्रेजेंट किया, आज इनको देश विदेशों के लोग इनको पसंद करता है। लगभग 20 भाषा में यह गाना गाती है और बिहार के रहने वाले लूसी आज हमारे साथ में। लूसी, बहुत बहुत स्वागत है, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। सबसे पहले आपको और सारे जो भी श्रोतागण हैं उनको मेरा प्रणाम, और आप सभी मुझे जितना आशीर्वाद देते हैं, जितना प्यार देते हैं, वैसे ही अपना प्यार देते रहिएगा। अच्छा, आप 14 साल की उम्र में इतनी सारे भाषाओं में कैसे गा लेती हैं? एक मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे बहुत पसंद है कि मैं जितने से जितने ज़्यादा लैंग्वेजेस में गा पाऊँ, ये मेरा शौक़ भी है। और एक तरीके से मैं और भी ज़्यादा चाहती हूँ कि बहुत कुछ सीखूं और बहुत कुछ करूं। हाँ। तो मतलब पहले कम था, धीरे धीरे सीखते सीखते एक होता है ना कि जुनून आता है। हाँ, अगर लोग उसे पसंद कर रहे होते हैं तो और भी ये होता है कि हाँ चलो, अगर लोग पसंद कर रहे हैं तो और अच्छे से उसको प्रेजेंट करें। तो बस उसी के वजह से, सबके प्यार की वजह से, और पापा जी से सीखती हूँ मैं, और उन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है और सब कुछ बढ़ रहा है। अभी कितने भाषा में आप गाना गा लेती हैं? अभी लगभग मैं 19-20-22 भाषा में गा लेती हूँ। 22 भाषा में गा लेती हैं जी। अच्छा, 22 भाषा का नॉलेज कौन देता है? देखिए, सिंगिंग की नॉलेज है मुझे। अभी लैंग्वेजेस को मैं सीखना शुरू कर रही हूँ, जैसे अलग अलग भाषाओं को। तो मैं ये बताऊँगी कि मेरा मतलब सबका ऐसा मानना है सिंगिंग का कोई लैंग्वेज नहीं होता है, वो सुर होता है और उसमें बस शब्द डाले जाते हैं। तो मतलब ऐसा है कि थोड़ा सा एक्सेंट पे ध्यान देना होता है, जो गाना हम गा रहे हैं अलग अलग भाषाओं में उसे सुनना पड़ता है और उसकी बारीकियों को देखना पड़ता है, और गुरुजी की बहुत नीड होती है। और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पिताजी मेरे गुरुजी हैं, तो जहाँ भी मैं गलती करती हूँ तो मुझे वो बताते हैं और सिखाते हैं, बस इसी तरीके से वो चीज़ मतलब सही होते जाती है। अच्छा, लूसी कौन कौन सी भाषा में गा लेती है? भाषा का थोड़ा सा नाम बताइए। मैं बिहार का कुछ क्षेत्रीय भाषा है, जैसे कि भोजपुरी, मैथिली, बज्जिका, अंगिका, ये सब के अलावा मैं पंजाबी गाती हूँ, तमिल गाती हूँ, श्रीलंकन गाती हूँ, बंगाली गाती हूँ, नेपाली गाती हूँ, असमीज गाती हूँ, हल्का बहुत अरबिक गाती हूँ, फिर से नेपाली गाती हूँ, असमीज गाती हूँ, और थोड़ा बहुत कोरियन गाती हूँ, और इंग्लिश गाती हूँ। इंग्लिश भी गाती हूँ जी। अच्छा, इतने कम उम्र में लगभग 22 भाषाओं में गाना आप गा लेती हैं, आगे क्या अचीव करना है अपने आप में? कितने भाषाओं में गाने गाना है, क्या उम्मीद लेकर लूसी रखी हुई है? अभी फ़िलहाल कोई मैं उम्मीद लेके नहीं चलती हूँ, बस ये होता है कि अपना मेहनत जितना करते रहूँ, और अगर मेहनत होता है तो लोगों को ज़रूर पसंद आ जाती है वो चीज़, मेहनत का फल मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि मुझे रुकना नहीं है, मैं जितना से जितना सीख सकूँ उतना सीखूँगी मैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा आपकी कौन सा गाना रहा जो हमारे बिहार के दर्शकों को पहले पसंद आया? पहले मैं बिहार की बात करूंगा, उसके बाद अपने देश के बारे में, फिर विदेशों में सब चर्चा करूंगा, लेकिन बिहार के कौन सा आपका गाना रहा जो सबसे ज़्यादा बिहार में आपका पॉपुलर रहा सॉन्ग? वो एक बहुत ही प्यारा मैथिली गाना है। हाँ। मैं कहा कि जौने सुख बा ससुरारी
सब कंचन थारी हो नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी हो स्वाद भूख बढ़ जाए सुन सारी सरहज के गारी हो स्वाद भूख बढ़ जाए सुन सारी सरहज के गारी बार बार हम कर बचरोरी क्या गायकी है। लोग कहता है बिहार में कुछ नहीं है। देखिए ना सर, हमारे बिहार में जिस भाषे को लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं, अपने हित दोस्त रिश्तेदारों से कैसे प्रेजेंट करते हैं, समझिए एक 14 साल की बच्ची बता रही है अपनी गायकी के माध्यम से। दूसरा आपका कौन सा गाना रहा जो काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा? जी ये एक ऐसा गाना है जो मैं गाना नहीं चाहती थी, मैं इसके बारे में बता रही हूँ क्योंकि मुझे इसका मतलब बिल्कुल नहीं पता था। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी और मुझसे ये गाना ज़बरदस्ती गवाया गया था मेरे मतलब यूट्यूब चैनल के लिए जिसका नाम लूसी भारत है, आप लोग जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वो गाना मुझे मेरी मम्मी ने बताया था गाने के लिए और पापा ने फोर्स किया कि हाँ तुम इसको गाओ। वो गाना है एक विवाह गीत है, जंघिया चढ़ाए बाबा। तो उस वक्त मुझे इसके बारे में पता, मैं नहीं गाऊंगी मैं क्योंकि समझ ही नहीं था और मुझे इस गाने से उम्मीद नहीं था। मैं ये गाना गाई और इस पे मतलब मेरे मतलब YouTube चैनल पे सबसे ज़्यादा व्यूज इस पे। कुछ दिन बाद मैं डिमोटिवेटेड हो गई थी जिसके वजह से मैंने YouTube छोड़ दिया था। क्यों डिमोटिवेट हो गए? मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं गाने गा रही हूँ, कोई सुन नहीं रहा है, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, क्या करूँ। फिर मैं छोड़ दी थी। पापा मतलब कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद मैंने खुद चेक किया और फर्स्ट टाइम मेरे मतलब जो वीडियो पे ना मतलब जब मैंने देखा तो उस पर 15-16 हज़ार व्यूज हो चुके थे उस वक्त। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई कि चलो लोग पसंद कर रहे हैं और वही गाना पसंद कर रहे हैं जो मुझे गाना पसंद नहीं था। तो मैं गा के सुनाती हूँ। जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर, जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर, बाबा करुण धिया अच्छा, जब गाना आपके मम्मी पापा फोर्स कर रहे थे, लूसी गाना इस गाने को नहीं गा रही थी लेकिन ज़बरदस्ती गवाया गया, लूसी गाई, लेकिन आज आपके बता रहे जिस तरह से कि मेरे YouTube पे सबसे ज़्यादा व्यूज है, तब आपके मन में बार बार सवाल आता होगा कि शायद कोई ऐसा और गाना हो
जो मेरे मम्मी पापा मुझे फोर्स करे और मैं उस गाने को नहीं गाऊं, और हो सके कि वही मेरे लाइफ का फिर से एक नया इतिहास रचे। ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं नहीं गाना चाहती हूँ, वो गाती हूँ और लोगों को वही पसंद आ जाता है। अच्छा। जी, तो ये माँ पापा की होती है ना ब्लेसिंग्स, जो आशीर्वाद, उसका भी देन है। तो कितने सालों से आप इस गायकी लाइन में हैं? मैं 6 साल की थी तब से सीख रही हूँ। अच्छा। तो अभी 8 साल हो गए, 14 साल की हो गई मैं। जी, लूसी का सबसे पहले कौन सा गाना वायरल हुआ था, कब हुआ था? मेरा एक गाना वायरल हुआ था उस वक्त, शायद सितंबर अक्टूबर का टाइम था, और एक मुझे पता भी नहीं था कि हाँ मेरा इंटरव्यू वगैरह होने वाला, और मैं इंटरव्यू से ही वायरल हुई हूँ। वो इंटरव्यू मेरा अचानक से वायरल होने लगा, और उसमें भी लोग मुझे इसलिए पसंद करने लगे क्योंकि मैं एक तो मतलब बिहार के कल्चर को भी लेके आगे बढ़ रही हूँ, और उसके साथ साथ मैं वैसे गाने भी गा रही हूँ जो कि इंडिया के हैं, इंडिया के बाहर के हैं, बस इसी वजह से लोग मुझे पसंद करते हैं। अच्छा, आप सभी भाषाओं में गाना गाती हैं, कभी आपके मन में ये नहीं आया कि जिस तरीके से भोजपुरी के सिंगर लोग हैं गाना गाते हैं वैसे भी हम गाना गाएं? मुझे अच्छा ही नहीं लगता है वो सब गाना, क्योंकि मुझे इस ये सब पसंद है कि हाँ ये सब फोक है, और इसमें जो मतलब ये सब सुन के एक फील होता है इंसान, मतलब उस मतलब लगता है कि उस दौर में चला गया ऐसा है। और मेरे पिताजी का और मेरा भी मानना है कि मेरे गुरुजी भी हैं तो उनका मानना है कि गाने बुरे नहीं होते हैं, उसमें जो शब्द डाले जाते हैं वो उसे अच्छा बनाता है और वो उसे बुरा बनाता है। तो मुझे अच्छे गाने पसंद है तो मैं अच्छे गाने ही सुनती हूँ, गाती हूँ। भोजपुरी गाना गाती हैं? गाती हूँ मैं। एक दो गाना गाइए भोजपुरी। जरूर। तोहरा के राखब सजना पलकन के छाव में जोर ले ले पानी तोहर नाव अपना नाव में। और भोजपुरी गाना है जिसे मैं सुनाना चाहूंगी जो कि अभी बहुत वायरल चल रहा है। देखता नी मिट्टी मिट्टी मुस्के तू मारा तारा टुक टुक ऐसे काहे निहारा तारा। देखता नी मिठी मिठी मुस्के तुम्हारा तारा टुक टुक ऐसे काहे निहारा तारा। कथी चले तोरा मन में सवरिया हो।